आजकल मौसम रहता ही ऐसा है कि बंदा बाहर मुंह निकालने के काबिल ना समझे अपने आप को कि इतनी गर्मी, लेकिन इन चंद दिनों में फॉर वंस 40 डिग्री से नीचे नीचे जो है टेम्परेचर था, बादल सर पर थे और ओवरऑल मौसम अच्छा था। अब अक्सर इस वक्त के दौरान मैं अपने जिम की तरफ निकल रहा होता हूँ और वही करने निकल रहा था कि एकदम मेरी अपनी विंडो से बाहर नजर पड़ी और मैंने ये सब अपनी आंखों से पहले सबसे उठते साथ देखा। महीने हो गए यकीन करो, काफी महीनों से ऐसा मौसम नहीं देखा। चलो अल्लाह का शुक्र है। खैर मैं ये मौसम मिस करना नहीं चाहता था, मैं चाहता मैं शाम को चला जाता लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अभी ही जाना है। और फिर मैंने अपने जूते निकाले और उनको पहना, पहनने के बाद मैं सीधा नीचे गया। From this moment onwards, when I heard the rumbling of the thunder, I eventually got to know ke bhai jaan iske baad kahin na kahin kisi point par to barish honi hi honi us tarah ki। पार्किंग से तो रहा नहीं, सही जा रही है एसी वाला सीन नहीं। इसके बाद एसी मेरे ड्राइवर ने ऑन करने की कोशिश की लेकिन मैंने बड़ा समझा के उसको फिर शीशे नीचे किए और ऑनवर्ड्स जिस तरह पॉसिबल था आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं मौसम को एंजॉय कर सकूं। उतना ही बाहर रहा घर से और ऑनवर्ड्स मैं फिर आया गया। चल अंकल आप ना आ जाइएगा घंटे तक, ठीक है? सर चलो भाई जिम और स्विमिंग। सॉरी यार जिस बात की। सबसे पहले अभी भी फिर जिम चलने लगा तो फिर आगे देखते हैं क्या करना। अब जो लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है या पीपल फॉर दोज हू डोंट नो, दिस इज द हॉलवे ऑफ राया, ठीक है? और जैसे ही तुम इस जगह को क्रॉस करते हो तो तुम्हें स्विमिंग पूल और जेंट्स सैलून का एरो नीचे को दिखाएगा और लेडीज पेड एरिया का सामने। एट द मोमेंट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय ओन जेंट्स जिम, जहां पर जाके फिर आगे मैंने जिम वगैरह शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 8 अभी जिम करते हैं, फिर उसके बाद स्विमिंग है, तो लेट्स सी आगे देखते हैं फिर क्या करना। ओहो खैर ये है राया का जिम जिधर मेरा मेन मकसद है कि मैं पेट कम कर लूं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, सिर्फ यही थोड़ी ना करना है। जिंदगी में और भी बड़े काम होते हैं, उसी तरह जिम में भी बड़े और काम होते हैं। जैसे कि मेरा काम है सिंपली कि मैंने पुशअप्स पुलअप्स चिनअप्स करने और वेट वगैरह की चीज़ों से सही तरह मतलब ना मुकम्मल दूर रहना। जस्ट बिकॉज माय मेन जो पर्पस ऑफ द जिम है वो सारा ट्रेनिंग जोन में ही गुजरता है, ठीक है? और आई नो यू ऑल मे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बट आई हैव माइन एंड दैट गोज विद दिस वे। अब जाहिर है ठीक ठाक पसीना तो आना ही था जिम के बाद। जिम करने के फौरन बाद फिर मैं अंदर आता हूँ, जिस तरह ही मैं इस चेंजिंग रूम के अंदर, तो फिर मैं जाते साथ अपना मुंह वगैरह धोता हूँ क्योंकि जनरली उसे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। हाँ खैर मैं इधर आया उसके बाद, ये इन लोगों का नॉर्मल है भाई, इस तरह के ये लोग पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं। और ऑनवर्ड्स फिर जब मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की तो मैंने कहा चलो भाई गेम वगैरह शुरू करते हैं। स्टिक उठाई और However, there were a bit changes of plans. So I placed this ball, which means कि 4 या 5 balls per pocket यहाँ पर इधर इधर तुम लोगों को पड़ी नजर आ रही हैं। इसका यही मतलब है कि भाई गेम मेरे मुताबिक चलने लगी है। खत्म होगी बैंड।
खैर जी, इन कंक्लूजन जब मैं यहाँ पर अपनी स्टिक वापस रखने आया था, क्यू जिसको बेसिकली आप कहते हो, तो ऑनवर्ड्स मेरी जरा सी नीयत चेंज हो गई। सबका सिर्फ यह मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने घर जाऊँ और एक जाके जब अपनी टेबल जब असेंबल करने बैठूँ तो मेरे पास चीजें पूरी हों। जनरली अच्छा है, बस छोटा है, जिधर पहले होता था उससे तो छोटा ही है, लेकिन इट्स गुड, रियली इट्स गुड। फिर अब इसके बाद ही मुलाकात होती है। ये है पाकिस्तान, यहाँ पर अगर कभी गलती से भी मौसम अच्छा हो जाए तो यकीन करो घंटे से ज़्यादा देर नहीं लगती कि मौसम वापस पहले जैसा सख्त गर्मी जैसा तब्दील होने लग चले। वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार गाड़ी छड़ी आई नहीं, अब यहाँ बैठ के वेट करना पड़ना है। ऊपर से जेन्युइन गर्मी इतनी ज़्यादा है, जेन्युइन ख़त्म। यार शिट, ऊपर देखो यार, जेन्युइन गर्मी, ओए गर्मी लेवल भाई। सुबह सुबह बारिश हुई है और फिर जाके मौसम ऐसा हो गया। भाई मुझे बताओ कि यार हमारा गुजारा कैसे होगा पाकिस्तान में, कोई हाल नहीं हालना पड़ना है, आउटर स्पेस में तो जा नहीं सकते, क्या करें। फिलहाल तो मैं घर ही जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कर क्या सकता हूँ। इतनी लेट मजीद आना, जनरली इतनी गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ यार। लेकिन चलो हवा अच्छी चल रही है, लेकिन ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं तो सबको गर्मी का है, तो बड़ा प्यारा मौसम है। और हाँ यार, ये घंटे की मार है, घंटे बाद देखना भी। चलो फिर जो है उसको एंजॉय कर सकते तो वो कर लेते, लोग भी सोने और मौसम भी सोने, लोग की तो सोने है की, जैसे कि मैं। Look at this dude. हुए भाई। धूपते हैगी। खैर इसके बाद भाई मेरे ना जिम करने के बाद जो नींद का लेवल होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है, तो मैं आते साथ ना फ़ौरन लेटने की करता हूँ, और वही किया, लेट गया आके सीधा। ठीक है, घर के अंदर मेड्स वगैरह होती तो उनसे मेरी एक शिकायत यही थी कि भाई लाइटें क्यों नहीं बंद करनी आगे तुम लोगों के। खैर इसके बाद मेरी आँख वगैरह खुल गई क्योंकि जोर की नमाज़ पढ़नी थी, तो उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने ये ब्लाइंड वगैरह ऊपर की वॉशरूम में आके ताकि थोड़ी यू नो रोशनी वगैरह पड़े, और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वजू वगैरह शुरू किया। खैर इसके फ़ौरन बाद मैंने डिसाइड ये किया कि अब ज़ाहिर नमाज़ पढ़नी थी जोहर की, तो बाहर निकलते साथ मैंने फिर जोहर के नमाज के लिए जाय नमाज बिछाने की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मौसम में सो गया यार, कभी कभी मौसम ऐसा देखने को मिलता है, कोई मसला ही नहीं है, मिस कर दिया तो क्या हो गया, कौन सा कल गर्मी पड़ जानी है, सही है। क्या कहा था मैंने, मौसम मिस हो गया, जेन्युइन मिस हो गया भाई, जेन्युइन मिस हो गया। अखीर गर्मी, एक भी बादल नहीं रह गया आसमान, एक भी बादल नहीं खलोया एक सेकंड ले भी, सुबह के कह लो 3 बजे के बाद एक बादल नहीं था। खैर चलो, आई होप के तुम लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो यही थे, या जो आइडियाज़ था कि भाई एक डेली ब्लॉग बनाओ, मतलब डेली ब्लॉग से मेरा मतलब एक रूटीन का एक चलने वाला ब्लॉग बनाओ कि क्या चलता है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन, जो रोज़ होता है, रोज़ ही सीन ऐसे होते हैं। आई होप तुम लोग मुतमईन हो,
और अब आगे और डिफरेंट किस्म का कंटेंट आएगा। ये तो तुम लोगों की फरमाइश का ब्लॉग था, तो अगर ये ना कहना पसंद नहीं आया सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और आगे के लिए इंतज़ार करते रहो, बहुत जल्द आएगा। पीस।